फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नैन्सीज ऑल इन वन चैनल में एक बार फिर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टफ भिंडी, जिसको भरवा भिंडी भी बोलते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कटी हुई भिंडी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने काटी है वैसे ही आपको काटनी है अगर आपको स्टफ भिंडी बनानी है तो। उसके बाद आपको चाहिए तेल, आपको चाहिए लहसुन और मिर्च दोनों, उसको पीस के आपको रखना है। फिर आपको चाहिए नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप जो कटी हुई भिंडी है उसको सबसे पहले आप भिंडी पहले धो लेंगे, फिर जैसे मैंने दिखाई है वैसे आप उसको काट लेंगे। उसके बाद आप एक बर्तन के अंदर तेल डालेंगे, उसके अंदर आप नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिए और जीरे का पाउडर और ये जो लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है वो डालकर उसको अच्छे से मिला लेंगे। आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी है ताकि आपकी भिंडी बहुत ही अच्छी और स्पाइसी और टेस्ट में बहुत ही अच्छी बने। ये सारा जो मसाला हमने बनाया हुआ है उसको जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे एक एक करके सारी भिंडियों में आपको भर देना है। इसको भरने के बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर तेल डालना है और ये सारी भिंडी डाल देनी है। इसको अच्छे से आपको हिला के थोड़ी देर के लिए तल लेना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ढक के रख देना है। ढकने के बाद हर 2 या 3 मिनट के बाद एक बार आप इसको चम्मच से हिलाइए और फिर वापस ढक दीजिए। ऐसा आप 10 से 15 मिनट तक करेंगे तो आपकी ये स्पाइसी और बहुत ही टेस्ट में अच्छी लगने वाली स्टफ भिंडी रेडी हो जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।